इनफॉर्मल लेटर। यू आर अंकित स्टेइंग इन BG 136 मायापुरी न्यू दिल्ली। राइट अ लेटर टू योर कज़न शेयरिंग योर व्यूज़ ऑन द टॉपिक सक्सेस कम्स टू दोज हु विल एंड डेयर। अब आप अंकित हो और आपका जो एड्रेस है ये दिया हुआ है। अब आपको एक लेटर लिखना है अपने कज़न को जिसमें आपको बताना है कि सक्सेस कम्स टू दोज हु विल एंड डेयर, यानी कि सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो कोशिश करते हैं और जिनके अंदर विल पावर होती है, जो चाहते हैं। तो इसके ऊपर आपको लेटर लिखना है अपने कज़न को। तो सबसे पहले ऊपर आप अपना एड्रेस वगैरह डालोगे, देन डेट एंड देन डियर कार्तिक जो आपका कज़न है उसका नाम। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड आई होप द सेम फॉर यू। हेलो, मैं आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ और मैं यही आशा करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। यस्टरडे आई रिसीव्ड, रिसीव्ड की स्पेलिंग गलत है, द मदर लेटर इन विच इट वॉज रिटन दैट यू हैड स्कोर्ड लेस मार्क्स इन एग्जामिनेशन। और मुझे कल एक लेटर मिला है मदर का जिसके अंदर ये लिखा है कि आपने अपनी एग्जामिनेशन में कम मार्क्स स्कोर करे हैं। देयर आर सो मैनी ग्रेट पर्सनैलिटीज लाइक नेल्सन मंडेला, सुधा चंद्रन, हु हैड अचीव सक्सेस इन देयर लाइफ थ्रू हार्डवर्क एंड डिटर्मिनेशन। और हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन के थ्रू अपनी सक्सेस अचीव करी है। जैसे कि इन्होंने नेल्सन मंडेला का एग्जांपल दिया है, सुधा चंद्रन का एग्जांपल दिया है। देयर आर सो मैनी अप्स एंड डाउन्स विच कम्स इन वंस लाइफ। वंस की स्पेलिंग गलत है, ONES आएगा। अब हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बट वन शुड नॉट लूज होप, पर हमें कभी भी होप नहीं खोनी चाहिए। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर दोज हु हैव स्ट्रॉन्ग विल एंड डिटर्मिनेशन टू अचीव देयर ड्रीम। और जो लोग अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए अपने पास डिटर्मिनेशन यानी कि पूरी इच्छा रखते हैं और पूरा विल रखते हैं उसको करने का, वो उनके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। When one can make his or her mind to achieve success, he will accomplish it by dynamic will, no matter what the circumstances are. अगर कोई ये अपना mind बना ले कि मुझे जो अपनी success है वो accomplish करनी ही करनी है, मुझे अपनी success achieve करनी ही करनी है, अपना dream पूरा करना ही है, तो वो उसकी एक डायनेमिक विल हो जाएगी, यानी कि वो अंदर से चाहता है उस चीज़ को करने के लिए और वो उसके लिए पूरी मेहनत करेगा, ना कि क्या सरकमस्टेंसेज हैं या क्या चीज़ हो रही है उन सबको अनदेखा करते हुए वो पूरी मेहनत करेगा और अपने ड्रीम्स को फुलफिल करेगा। विल पावर, करेज एंड डिटर्मिनेशन आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट्स ऑफ सक्सेस। विल पावर यानी कि आपको उसकी उस काम को करने की इच्छा, करेज यानी कि आप कितना बहादुरी से कर सकते हो, डिटर्मिनेशन मतलब कि उसको करने की जो इच्छा है, ये तीनों चीज़ें आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं सक्सेस अचीव करने के लिए। दे इनेबल अस टू फाइंड अ वे टू ओवरकम ऑब्स्टैकल्स इन हिज पाथ। तो इससे क्या होगा कि हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा कि कैसे हम अपने जो हमारे पाथ में जो अड़चनें आ रही हैं हम उनको कैसे ओवरकम कर पाएँ। A man who loses heart at a sight of failure can never achieve his goals. और अगर कोई एक आदमी फेलियर के डर से उस काम को करना छोड़ दे तो वो कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगा। यानी कि हमें फेलियर से कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर कोई कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही कोई अपने गोल को अचीव कर ले या एकदम से कोई वो काम कर ले, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए हमें कभी भी फेलियर से डरना नहीं चाहिए। अ वाइस मैन एक्सेप्ट चैलेंजेस विद अ काम माइंड। अब एक जो समझदार आदमी है वो अपने चैलेंजेस को बहुत शांत माइंड से एक्सेप्ट करेगा, यानी कि अगर उसका कोई भी ऐसा सिचुएशन चल रहा है तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा कि हाँ, मुझे इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है या मेरे को अपने अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है। तो ये एक समझदार आदमी ही काम कर सकता है। ईच वन ऑफ अस हैज़ अ पोटेंशियल टू डू विच वी ड्रीम ऑफ। और हम जो भी चीज़ करने की सोचते हैं हमारे अंदर उस काम को पूरा करने की क्षमता
होती है, पोटेंशियल होती है करने की उसको। देयर इज़ अ फेमस सेइंग टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल, और ये कहावत है कि जो मुश्किल समय है वो ज़्यादा टाइम नहीं रहता, लेकिन जो आदमी उसका डटकर सामना करता है वो हमेशा ही रहता है। वी जस्ट हैव टू मेक अ बिगनिंग विद ऑल ट्रू कंसिस्टेंट एफर्ट्स एंड वी विल डिस्कवर दैट एवरीथिंग विल फॉल इन इट्स राइट प्लेस। और हमें अपने उस काम को करने के लिए, ड्रीम को पूरा करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए, हमें अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाने हैं, पूरी जी जान लगानी है, और हमें वो हर चीज़ करनी है जिससे हमारा वो गोल पूरा हो सके, तभी हम अपनी सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। सक्सेस इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ फ्यू, और सक्सेस सिर्फ कुछ चीज़ों के ऊपर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि ये चीज़ करोगे तो ही सक्सेस मिलेगी। इट कैन बी अचीव बाय एनीवन हु डेयर्स टू गो फॉर इट, और ये कोई भी अचीव कर सकता है जो उसको एक बार करने के लिए अपना मन बना ले। यानी कि ये नहीं है कि बस दो तीन लोग ही सक्सेस अचीव कर सकते हैं, नहीं, जो भी अपने उस गोल को पूरा करना चाहता है, अपने गोल को अचीव करना चाहता है, वो सारे सक्सेसफुल हो सकते हैं। वन शुड हैव पॉजिटिव अप्रोच टूवर्ड्स द लाइफ, और जो भी अपने गोल को अचीव करना चाहता है उसका जो माइंडसेट है, उसका जो अप्रोच है उस काम को करने की, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। कैसे कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये तो होगा नहीं, ये बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, या एक्स वाई जेड जो भी आप रीजंस देते हो, नहीं, हमें हमेशा पॉजिटिव अप्रोच से काम करना है कि हाँ मैं ये करूँगी, मैं जो करूँगी इससे मैं अपने गोल के एक स्टेप और क्लोज़र आ जाऊँगी। तो इसलिए हमें हमेशा अपना कोई भी काम करें, हम जब भी कोई सोच के करते हैं तो हमें पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए।